नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। सिंगरौली में एसआई को ट्रैक्टर से रौंदकर जान से मारने की कोशिश करने वाले तस्करों के खिलाफ बुलडोजर कार्यवाही। खबर मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के जियावन थाना क्षेत्र अंतर्गत रेही गांव में रेत माफियाओं को अवैध परिवहन करते देख जब एसआई प्रदीप सिंह ने उन्हें रोकना चाहा तो उसमें से एक ट्रैक्टर चालक ने एसआई पर ट्रैक्टर से रौंदकर जान से मारने का प्रयास किया और कई किलोमीटर तक एसआई को अपने ट्रैक्टर के साथ घसीटता रहा। इस घटना की सूचना पर पुलिस अधीक्षक यूसुफ कुरैशी ने पुलिस बल को इन अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए थे, जिसके चलते आज जियावन थाना पुलिस द्वारा इन आरोपियों के खिलाफ हत्या का प्रयास करने का मारने का मामला पंजीबद्ध कर कड़ी कार्यवाही की जा रही है। साथ ही आज पुलिस बल द्वारा एक आरोपी के किए गए अवैध निर्माण को बुलडोजर से गिरवा दिया है और अन्य आरोपियों को सख्त हिदायत दी है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। आइए जानते हैं यूसुफ कुरैशी, पुलिस अधीक्षक सिंगरौली ने क्या कहा। रीवा संभाग ब्यूरो राजीव तिवारी की रिपोर्ट। माफियाओं के खिलाफ पुलिस प्रशासन की कार्रवाई है, उसमें क्या मामला है सर? ये इसके एक रेत माफिया या भू माफिया के द्वारा जो है यहाँ पे शासकीय भूमि पर कब्जा किया गया था। यहाँ पे पुलिस और प्रशासन और फॉरेस्ट के द्वारा जो है इसके अवैध जो है निर्माण को जो है से मुक्त करा के शासकीय भूमि को मुक्त कराया गया है और ये लगभग इसकी कीमत करोड़ों में मापी जा रही है। अभी कल बहुत बड़ी घटना हुई है, एक सब इंस्पेक्टर के साथ में रेत माफियाओं के द्वारा कुछ ऐसी वारदातें आए हैं उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया, उस पर पुलिस प्रशासन क्या कार्रवाई करे? कल एक घटना हुई है जिसके दौरान जो है जैसा कि पूरे ज़िले में जो है अवैध रेत परिवहन के विरुद्ध जो है एक मुहिम चल रही है और जो भी इस प्रकार के इलीगल रेत के जो परिवहन में लिप्त है उस पर कार्रवाई की जा रही है। इसी तारतम्य में कल जियावन थाने में भी एम्बुस लगा के जो है पुलिसकर्मी वहाँ बैठे हुए थे, जब सुबह के वक्त में दो ट्रैक्टर रेत भर के ले जा रहे थे तो एक ट्रैक्टर वाले ने जैसे उसको पकड़ने की कोशिश की पुलिसकर्मी सहित उसने ट्रैक्टर को दौड़ा दिया और उसमें उसकी जान जाते जाते बची और इस चीज़ को काफ़ी गंभीरता से लिया गया है और उसमें जो संबंधित के विरुद्ध जो है जो आरोपी है उसके विरुद्ध जो है हत्या के प्रयास का मामला कायम किया गया है। इसके अलावा शासकीय कार्य में बाधा का मामला भी प्रयास में लिया गया है। चूँकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी जो है इस प्रकार के अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं तो ऐसे अपराधियों के विरुद्ध जो है सिंगरौली पुलिस के द्वारा कठोरतम कार्रवाई की जा रही है। जैसा कि सभी थाना प्रभारियों को निर्देश है कि ज़िले में कहीं भी जो है रेत का अवैध परिवहन नहीं होना चाहिए, उसी तारतम्य में कल सभी थानों को निर्देशित किया गया है और इसी निर्देश के अनुपालन में जो है जियावन में एम्बुलेंस लगाई गई थी। वहाँ रात व्यतीत हो जाने के ऊपर सुबह के टाइम पे दो लोग जो है जो रेही गांव के रहने वाले हैं उनके द्वारा जो है वहाँ पर ट्रैक्टर में जब रेत भरा जा रहा था तो पुलिस की टीम ने उन्हें पकड़ने का प्रयास किया और एक चालक भाग गया था उसमें और दूसरे चालक ने ट्रैक्टर स्टार्ट करके भागने का प्रयास किया। उसी दौरान जो है पुलिस के एक अधिकारी ने जो है साहस का परिचय देते हुए जो है उसको पकड़ने की कोशिश की जिसमें वो चोटिल हुए हैं और इस दौरान जो है ट्रैक्टर चालक ने ट्रैक्टर तेज गति से भगा दिया था और कूद के वो भाग गया था। चूँकि उन्होंने जो है पुलिस की बात नहीं मानी और शासकीय कार्य में इसमें बाधा भी डालने का प्रयास किया, साथ ही जो हमारे अधिकारी थे उनकी जान को भी जोखिम में डाला क्योंकि चलता ट्रैक्टर छोड़ के भाग गए थे तो उनको चोट भी पहुंची है। तो इसमें संबंधित जो आरोपी गण हैं उनके विरुद्ध जो है 353 307 IPC धारा के तहत केस कायम करके शामिल किया।